मैं जनाब के कोश गुजार किए देता हूँ, हाउस के सामने रखता हूँ दैट इन द इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2020 एज पास्ड बाय नेशनल असेंबली एंड नॉट पास्ड विद इन 90 डेज ऑफ इट्स लेइंग बाय द सेनेट क्लॉज 14 शैल बी ओमिटेड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट मे से आय, ऑल दोज अगेंस्ट इट मे से नो। आई थिंक द आयज हैव इट एंड कंसीक्वेंटली द अमेंडमेंट इज अडॉप्टेड एंड क्लॉज 14 इज ओमिटेड। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के पेशकर्दा बिल की ऐवान ने शिकवार मंजूरी दी। वजीर कानून के वकालफत पर सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरमीम मुस्तरद। पीपल्स पार्टी के जाम महताब ने अपनी तरमीम वापस ले ली। ऐवान ने मुर्तजा जावेद अब्बासी के पेशकर्दा बिल की मंजूरी दी। इंतखाबी इस्लाहात बिल में सेनेटर्स की निशानदही पर कई तरामीम की गई। इत्तेहादी जमातों में इत्तेफाक के बाद निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतालिक शिक बिल में शामिल। निगरान हुकूमत को वसी और लामहदूद इख्तियारात न देने पर इत्तेफाक। निगरान हुकूमत नया मुआहदा नहीं कर सकेगी, दो फरीकी और सह फरीकी मुआहदों का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत जारी प्रोग्राम और मनसूबों से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का पीटीआई को इंतखाबी इस्लाहात बिल से दूर रखने का शिकवा। निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लेना बेईमानी करार दे दिया। दावा किया निगरान वजीर आजम के नाम पर नून लीग के अंदर से तहफुजात सामने आ रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 15 अगस्त तक तौसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान में निगरान सेटअप पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को मुशावरत से मुतालिक आगाह कर दिया। निगरान सेटअप पर मुशावरत का हतमी राउंड आशूरा के बाद शुरू होगा। वज़ीर आज़म तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुशावरत करेंगे। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। दूसरी जानब अपोजिशन लीडर राजा रियाज की ज़ेर सदारत इजलास, निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर गौर। इब्तदाई मुशावरत में किसी नाम पर इत्तेफाक न किया जा सका, दोबारा मुशावरत के लिए जल्द दूसरी निशस्त होगी। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। अगले माह हमारी जो टर्म पूरी हो रही है, जो भी नई हुकूमत आएगी, जिसको अवाम मैंडेट देंगे, वो सूबों के साथ मिलकर, चारों सूबों में वफाक मिलकर, 1 लाख 2 लाख नहीं, हर साल 5-10 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकाल लिया। अगले माह हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है, अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में खिताब। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, अगली बार मौका मिला तो सूबों से मिलकर 10 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। कोई सिफारिश या रिश्वत नहीं, मेरिट पर लैपटॉप दे रहे हैं। हमें अपने नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। मुल्क की सूरत हाल और मौशी मसाइल देखते हुए वज़ीर आज़म का साथ दिया। 15 माह की जदोजहद में बेपनाह मसाइल का सामना हुआ, मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का खिताब, बोले आने वाला वक्त नौजवानों का है, आईटी समेत जदीद तरीक़ेकार अपना कर ही ज़र मुबादला बढ़ाया जा सकता है। मुल्क को मसाइल से यूथ ही निकालेगी, यूथ को सहूलत देना हमारा काम है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से मिलकर NED में टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं। 25 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में सिंध हुकूमत का एक पैसा नहीं लगेगा। खवातीन को मालिकाना हकूक दिए, तकरीब में 70% खवातीन मौजूद हैं जिनको लैपटॉप मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और खालिद मकबूल सिद्दीकी शरीक हुए। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर की वज़ीर आज़म से कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म से MKM क़यादत की भी मुलाकात। MKM ने कराची में की इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए।
MQM की राना अंसार सिंध असेंबली की पहली ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। ऐवान में ऑपोजिशन के 69 में से 39 अरकान ने हिमायत की। स्पीकर आगाज सिराज दुरानी और अरकान असेंबली की राना अंसार को मुबारकबाद। राना अंसार का हिमायत करने पर GDA और PHI अरकान से इजहार तशक्कुर। राना अंसार का हिमायत करने पर GDA और PHI अरकान से इजहार तशक्कुर। बोली वक्त कम है और मुकाबला सख्त, अब मामलात आगे बढ़ेंगे, निगरान हुकूमत के मामलात मिल बैठ कर तय करेंगे। बिजली के नरख बढ़ाए गए हैं 5.75 रुपए, सफर से लेके तो 200 यूनिट तक, कतन इसके ऊपर उनके ऊपर कोई इजाफा नहीं किया। वजीर आजम का 200 यूनिट तक बिजली महंगी ना करने का बयान, फैसला कुछ और ही हुआ। 50 यूनिट से ऊपर तमाम सार्फीन के लिए बिजली महंगी हो गई। 100 यूनिट तक बिजली 3 रुपए, 200 यूनिट तक बिजली 4 रुपए महंगी। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 5 रुपए फी यूनिट का इजाफा। 400 यूनिट तक 6.5 रुपए और 700 यूनिट तक 7.5 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी हो गई। टैरिफ बढ़कर 42.72 रुपए फी यूनिट हो गया। सेल्स टैक्स लगने के बाद फी यूनिट कीमत 50 रुपए हो जाएगी। बुनियादी टैरिफ के साथ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में भी इजाफा, कि इलेक्ट्रिक सार्फीन के लिए फी यूनिट 2.31 रुपए महंगा। 24 अरब रुपए की इजाफी वसूली अगस्त में होगी। बिजली कीमतों में फिर होशरुबा इजाफे पर शहरी फट पड़े। बिजली पहले आती नहीं थी, अभी आ रही है तो उसको बिल भरना बहुत मुश्किल हो गया है। बिजली इतनी महंगी होने की वजह से हमारा कारोबार जो ठप हो गया है। बिजली का बिल अदा करें कि बच्चों को खाना खिलाएं। 7.5 रुपए जो यूनिट इन लोगों ने लगाया है, फिल फॉर इसको वापस लिया जाए। मेरे घर में एक पंखा है, एक बल्ब है, बाकी खाली मोटर नहीं है, नलका लगाया हुआ है। मेरा 7,000 रुपए बिल आया है। इतनी तनख्वाह नहीं है कि जितने बिल आते हैं। विफाकी काबीना के अहम फैसले, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को सरमायाकारी बोर्ड का हिस्सा बना दिया। 55 शख्सियात के नाम ECL में डालने और निकालने की मंजूरी। ई तहफ्फुज बिल, पर्सनल प्रोटेक्शन बिल और एहतसाब अदालतों की तंजीम नौ समेत 12 निकाती एजेंडा मंजूर किया गया। कौमी भंग पॉलिसी की मंजूरी मौखर। शहबाज शरीफ ने कहा, इकदामात का मकसद बैरूनी सरमायाकारी की राह हमवार करना है। आजरबाईजान से LNG माहिदा तवानाई के लिए अहम संग मील साबित होगा। चीन ने फिर वफादार दोस्त होने का सबूत दे दिया। पाकिस्तान पर वाजिब अदा 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स का कर्ज 2 साल के लिए मुअख्खर। चीन के एक्सिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया। पाकिस्तान को इजाफी सूद भी अदा नहीं करना पड़ेगा। कर्ज असल मुआहदे के मुताबिक चुकाया जाएगा। डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक का अहम फैसला। मनी चेंजर्स को बैरूने मुल्क से कैश डॉलर मंगवाने की इजाजत दे दी। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज मैनुअल में तरमीम का सर्कुलर जारी कर दिया। मनी चेंजर्स गैर मुल्की करेंसी एक्सपोर्ट के एवज कैश डॉलर दरामद कर सकेंगे। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 1.48 रुपया सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 2.87 रुपए 4 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपया सस्ता 292 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 265 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,682 पर बंद। महंगाई की मजमूई शरह 12.3% से बढ़कर 29.2% तक पहुंच गई। बड़ी सनतों की पैदावार में 14.4% की कमी रिकॉर्ड। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माली साल तरसीलात ज़र बरामदात बैरूनी सरमायाकारी में कमी रिकॉर्ड की गई। दरामदात करंट अकाउंट खसारा रुपए की कदर और माली ज़खायर में भी कमी हुई। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी बहरान खत्म करने के इकदामात को बड़ा धचका। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत मिलने वाली चीनी आवाम की दस्तरस से दूर। वज़ारत सनअत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स को खरीदी गई चीनी बेचने से रोक दिया। गैर मुयना मुद्दत तक चीनी की दस्तियाबी के इम्कान खत्म हो गए। वज़ीर सनअत व पैदावार ने महंगी चीनी खरीदारी का कहकर हिदायत दी। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी मुसलसल सस्ती चीनी से महरूम।
गोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की चेयरमैन पीटीआई की इस्तेदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं होगा। हाई कोर्ट से गुजारिश जरूर है उनकी अपील और तमाम दरख्वास्तों का एक साथ फैसला करे। दूसरी जानब सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को कल जाती हैसियत में तलब कर दिया। बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तोशाखाना केस का 35 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी सामने आ गया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की फलाह-ए-आमा के मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। लाहौर में निकासी आब के मसाइल के पायदार हल के लिए काबिल-ए-अमल प्लान तलब कर लिया। बोले कि बड़ी शाहराहों पर पानी की निकासी बेहतर ना होना काबिल-ए-तवज्जो है, सिस्टम की बेहतरी में कोई कोताही ना की जाए। मीरपुर खास के शहरी का कुरान पाक से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। अपने हाथ से सबसे बड़ा कुरान पाक बमा तर्जमा लिख दिया। ज्यारत के लिए दूर दराज से शहरी आने लगे। लिखारी पीर इम्तियाज हैदर शाह के मुताबिक 31 सफात पर मुश्तमिल कुरान पाक की लिखाई और तैयारी में 1.5 बरस लगा। एमएनएस के नाम से जाली लेटर्स पर असलहा लाइसेंस का इजरा। जालसाजी में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी वजारत दाखिला की पीएससी में ब्रीफिंग। एमएनएस के लाइसेंस में ताखीर की वजह भी जालसाजी के मामले की तहकीकात को करार दे दिया। कराची के एंटी करप्शन कोर्ट में साबिक डीजी एसपी सीए मंजूर काका ने सरेंडर कर दिया। अदालत ने नसला टावर केस में मंजूर कादर काका की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो गुहेरा असवद से अनाज तरसील की बहाली के लिए मुतहर्रिक। रूसी हम मनसब को टेलीफोन इकदाम की तंसीख से तरक्की पजीर मुल्कों पर पड़ने वाले दबाव से आगाह किया। मामले का हल मिलकर तलाश करने की पेशकश भी कर दी।